Hello students, I am the teacher to this question and let me explain this to you now. The statement says, fill in the blanks. Acids have a dash taste whereas the bases have dash taste. तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर कुछ ब्लैंक्स हैं और उन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है. तो क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है कि जो एसिड्स हैं दे हैव डैश टेस्ट, उनका डैश टेस्ट होता है जबकि बेसिस का डैश टेस्ट होता है. तो दैट मीन्स हमें एसिड्स और बेसिस के टेस्ट के बारे में बताना. अब देखिए, जब आरहेनियस का कंसेप्ट नहीं आया था तो एसिड और बेसिस को पहचानने के लिए हम बेसिकली उनकी टेस्ट से ही, या आप कह सकते हो उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही उनको पहचानते थे, राइट. और वो प्रॉपर्टीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरहेनियस के कंसेप्ट तक वैलिड थे, आज भी वो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैलिड हैं क्योंकि एसिड्स और बेसिस वो प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं. तो जो एसिड्स होते हैं, अगर हम एसिड्स की टेस्ट की बात करें तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, मतलब एसिड्स खट्टे होते हैं. और अगर हम बेसिस की बात करें और उनके टेस्ट की बात करें, बेसिस क्या होते हैं? दे आर बिटर इन टेस्ट, मतलब वो कड़वे होते हैं. तो चलिए इस ब्लैंक को भर लेते हैं. तो दैट मीन्स द फाइनल आंसर टू द स्टेटमेंट और टू दिस दीज ब्लैंक्स आर दैट एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, फर्स्ट ब्लैंक में हम सोर भरेंगे, एंड बेसिस हैव बिटर टेस्ट. दैट्स द फाइनल आंसर. That's all the explanation to the question. Thank you.